हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज मैं आ चुका हूँ सासाराम जंक्शन, और आपको पता है कि सासाराम में कितने नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि वाटरफॉल, पहाड़, पर्वत, झरना इत्यादि। तो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले सासाराम जंक्शन से हम लोग जाएंगे शेर शाह सूरी का मकबरा, उसके बाद हम लोग तारा चंडी मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर जो वाटरफॉल है वहाँ पर जाएंगे। वीडियो में बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं और अपना शेर शाह सूरी के मकबरा की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ सासाराम स्टेशन के एंट्री गेट के सामने, मतलब जो स्टेशन का एंट्री गेट होता है मेरे पीछे देख सकते हैं। इससे मैं बाहर निकल चुका हूँ और बाहर निकलने के साथ ही आपको कुछ इस प्रकार का लोकेशन दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार का लोकेशन मिलेगा, बस इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आप मेन रोड पर पहुँच जाएंगे, और मेन रोड पर पहुँचने के बाद हम लोग इधर साइड में चलेंगे, मतलब कि हमारे राइट साइड में है। अगर आप उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हमको राइट साइड जाना है, तो चलिए उधर चलते हैं। और शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो स्टेशन से 1 किलोमीटर के अंदर ही है, तो इसमें ऑटो वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं वहाँ पर पहुँच पाता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अभी शेर शाह सूरी के मकबरे के गेट पे खड़ा हूँ, और इस गेट पे आने के लिए मुझे स्टेशन से मात्र 500 मीटर या उससे तो कम ही होगा, 500 मीटर से भी कम ही है, मैप में ज़्यादा बताता है लेकिन 500 मीटर से कम है। तो वही गेट है, गेट के अंदर चलते हैं। और ये आपको स्टेशन से निकलने के बाद पश्चिम दिशा की ओर आना है, वेस्ट की ओर, उसके बाद ये आपको गेट बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए गेट के अंदर चलते हैं और मकबरा को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई मकबरा तो सामने है, लेकिन अंदर जाने से पहले हम लोगों को गार्ड ने रोका। क्यों रोका? क्योंकि यहाँ पे टिकट लेना ज़रूरी है। तो अभी हम टिकट काउंटर के पास आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बस मकबरा के बगल में ही टिकट काउंटर है, यहाँ से मैं टिकट लेता हूँ। बोर्ड पे आप देख सकते हैं दोस्तों टिकट का प्राइस लिस्ट में दिया हुआ है, टिकट काउंटर, टिकट घर। विदेशी टिकट 300 रुपया, 15 वर्ष तक के बच्चों का फ्री एंट्री। चलिए टिकट ले लेते हैं। सीन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है अंदर आने के बाद। अभी सुबह सुबह का माहौल है, चलिए पूरे इस मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये मकबरा के अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहले इस तरफ मुड़ते हैं तो आपको ये मकबरा साफ साफ दिखाई देने लगता है। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा शांति का महसूस होगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, सिर्फ मकबरे को आप ना देखें, मकबरे के अगर चारों ओर आप देखते हैं तो चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पौधे नहीं पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं हरे भरे, जिसका सीन मैं आपको दिखाने का पूरा कोशिश करता हूँ। अगर इस टॉम्ब के आसपास में देखें चारों तरफ, तो चारों तरफ पेड़ पौधा लगाया गया है, और इसका जो पार्क है, वो भी बहुत अच्छा से डेवलप किया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे एंट्री का वहाँ पे गेट है, आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, टिकट लेके आपको अंदर आने दिया जाएगा। और ये जो वो रास्ता है वहाँ से आप चढ़ करके इस गेट से अंदर आते हैं। गेट से अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मकबरा का सीन कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और मकबरा के अगर इधर उधर दाएं बाएं साइड में देखा जाए तो सीढ़ी जो भी है बनाया गया है, और वो जो दीवार आप देख रहे हैं जो लोहा का जंजीर है, उसके पार भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, एकदम सुरक्षित है ये जगह, आप देख सकते हैं। और इसका तालाब कितना खूबसूरत दोस्तों, तालाब में मुझे एक मछली दिखा, एक नहीं बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं कि तालाब में मछली भी
देखने का आप अनुभव कर सकते हैं। मैं मछली को बगल से आपको दिखाता हूँ पास से। पहले मैं मकबरे को अंदर से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो चलिए मकबरे की ओर आगे बढ़ते हैं और इस रास्ते का मज़ा लेते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों आप वास्तविक में आकर के देखें तो आपको देखने का नज़ारा बहुत ही अच्छा महसूस होगा। मकबरा की ओर आगे बढ़ते हुए हमारा आकर्षण किस तरीका से बढ़ता है आप देख सकते हैं। खूबसूरती ये जो मकबरा है एकदम बीच में है, तीन ओर जल से घिरा हुआ है, तालाब से घिरा हुआ है। और ये मकबरा बहुत ही पुराना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1545 के आसपास में इस मकबरा का स्थापना किया गया था और अभी तक वो वैसा ही है मकबरा। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का जो भारत का कारीगरी था कितना विकसित था, कितना बढ़िया था, कि जो कि अभी तक लगाने के बाद भी, इतना समय होने के बाद भी अभी तक सुरक्षित है। यहाँ पे तालाब में मछली वगैरह भी है, वो भी मैं अगर नीचे जाने का इधर से कोई व्यवस्था है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अंदर में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में दोस्तों पूरा बना रहे, मैं वीडियो को तो ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लोर करके पूरा दिखाने वाला हूँ। तो सीढ़ी हमारा दोस्तों आ चुका है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे मुझे प्राचीनता का अनुभव हो रहा है। इसमें मैं ज़्यादा ये नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये प्राचीन है इसलिए खास है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ताजमहल दुनिया के सातवें अजूबों में से एक है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले था, सबसे पहले वो था, जिससे पहले ना ही बुर्ज खलीफा बना हुआ था ना ही कुछ ऐसा बना हुआ था। सीन आप देखते हैं दोस्तों, ये मैं इस रास्ते को पार करके यहाँ पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है, कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए सीन ले रहा हूँ। ये देख सकते हैं शेरशाह सिंह का मकबरा है, उनका चादर चढ़ा हुआ है। और ये जो गुंबद है आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक गुंबद है। अगर आप इसको ऊपर देखते हैं तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आकर्षक लगता है। यहाँ पे आवाज़ एक गूंज रहा है बहुत ही अजीब तरीके। तो अभी हम मकबरे के पास में खड़ा है, हम लोग अंदर जा कर के देखें। बहुत ही आकर्षक सीन था, बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। तो मेरे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो बताइए आपका क्या नाम है सर जी? शिवम कुमार सागर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं इसको देखने के लिए? बेतिया। अच्छा, बेतिया से आए हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे आके मतलब कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये जो मतलब इस यहाँ पे कहीं भी ब्रिक वर्क नहीं हुआ है, पूरा लग रहा है रोमन टाइम का जो पहले स्ट्रक्चर जो होता था, रोड बनता था उसी टाइप का है, जिसमें पत्थर बना के। और इसका डोम जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। अंदर से आप देखें तो अंदर से आपको देखने में कैसा लगा, मतलब क्या था स्ट्रक्चर, कैसा लग रहा था? मतलब अजूबा टाइप से या? हाँ, अजूबा टाइप से कह सकते हैं। मैंने तो अंदर से देखा दोस्तों, एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि ऊंचाई का मतलब बहुत ऊंचाई है उसमें। आवाज़ जो हम लोग बोल रहे थे उसमें एक लग रहा था कोई मंत्र पढ़ रहा, जिस तरीका से आवाज़ का जो है गूंज गूंज करके थोड़ा थोड़ा कानों में आ रहा। वो डोम स्ट्रक्चर है ना, इसलिए उसमें थोड़ा आवाज़ बनता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ कहीं से आवाज़ आ रही थी, हम ही लोग का आवाज़ रिटर्न होके आ रहा था। चलिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स मैं अभी इस तालाब के किनारे आ चुका हूँ। यहाँ पे ये मैं तालाब का पानी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पानी बहुत पुराना है, अगर आप चाहें तो इसमें नहाने की कोशिश ना करें या फिर पानी से कुछ और करने की कोशिश ना करें। ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है और चूँकि इसमें मछली बहुत सारा हमको देखने के लिए मिल रहा, शायद कैमरे में कैद हो पाए या नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आ कर के अगर मछली वगैरह को देखेंगे, देखिए कभी कभी उछल भी रहा है बहुत जगह से, तो यहाँ पे आ कर के अगर मछली को देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा आनंददायक मिलेगा। देखिए मैं आपको कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ, अगर दिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए मैंने अपने कैमरा को इधर की ओर टर्न किया, वहाँ पे कम से कम 100 से 200 मछलियाँ छोटी छोटी हैं, आप देख सकते हैं। कोशिश करें देखने का और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ़िलहाल इसको दोस्तों, तो चलिए घूमते घूमते चलिए हम अपने एक फ्रेंड का फीडबैक ले लेते हैं।
तो यहाँ पे मिस्टर मनीष कुमार है। तो बताइए कि आप कुछ बताइए, आपको क्या लगा यहाँ पे आए तो, आपको क्या मतलब महसूस किया हुआ, क्या कैसा लगा? यहाँ पर तो सबसे यही खास बात है कि इसमें पुराना पुराना जो पत्थर होता है उसी का पूरा गुम्बद बनाया गया है। अच्छा, और इसके अंदर में शेर शाह सूरी का मकबरा होता है, जो मुस्लिम लोग का होता है ना बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हमको। हाँ वो तो उसी टाइप का बना हुआ है, और छोटा छोटा में और ढेर सारे बने हुए हैं उसी के अंदर में। इसके चारों पट्टी पानी पानी है, तालाब की तरह है, और इसमें मछलियाँ हैं। इसमें मछलियाँ कुछ अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ऐसे कैमरा में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए हाइब्रिड कैमरा वगैरह चाहिए, कैमरा की जरूरत है। ब्लॉगिंग में हम लोगों के पास वैसा है। चलिए, ओके।